Now another type of printer is drum printer. Again I repeat, another type of printer is drum printer. See, maine yahan pe image aapko वो रखी है slide के ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है कि drum printer कैसे होता है, right? Now as the name says, drum printer, it means ये printer के अंदर एक drum जैसा होगा. और वो ड्रम के ऊपर कैरेक्टर एम्बोस किए गए हमें मिलेंगे अगेन आई रिपीट ये प्रिंटर के अंदर एक ड्रम जैसा होगा सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा होगा कि जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स एम्बोस किए गए हमें मिलेंगे राइट सो लेट स्टार्ट नाउ ये तो हमने पहले ही मैंने आपको बताया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजिवल प्रिंटर दोनों ही कैरेक्टर प्रिंटर है या फिर सीरियल प्रिंटर है इट मीन्स दैट बोथ टाइप ऑफ प्रिंटर कैन प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम अगेन आई रिपीट वन कैरेक्टर एट अ टाइम बट ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर

right compared to dot matrix printer and daisy wheel printer because dot matrix printer or daisy wheel printer ke andar ek character ek time ke upar print hota hai lekin drum printer ke andar puri entire line print ho jati hai in single operation so that is already written over here ki kya hame allow karega it allows continuous high speed printing because puri entire line at a time print ho jati hai ये ड्रम प्रिंटर की स्पीड क्या होगी दैट इज 300 हंड्रेड टू टू थाउजेंड लाइन्स पर मिनट एंड नाइन्टी सिक्स टू वन सिक्सटी कैरेक्टर्स

मल्टी फॉन्ट कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है बिकॉज ड्रम के ऊपर पहले से कैरेक्टर एम्बोज किए गए होते हैं। इट मीनस जितने कैरेक्टर्स ड्रम के ऊपर एम्बोज होंगे उतने ही कैरेक्टर्स वो प्रिंट कर पाएगा राइट सो दैट्स व्हाई जैसे डेजिविल प्रिंटर के अंदर भी लिमिटेड कैरेक्टर्स लिमिटेड फॉन्ट था लाइकवाइज ड्रम प्रिंटर के अंदर भी लिमिटेड कैरेक्टर्स और लिमिटेड फॉन्ट्स है और अगर हमें दूसरे फॉन्ट्स प्रिंट करने हैं तो हमें पूरा ड्रम चेंज करना पड़ेगा बिकॉज़ ड्रम के अंदर ड्रम के ऊपर सारे कैरेक्टर्स एम्बोस किए गए होते हैं जैसे डेजिविल के अंदर अगर हमें फ़ॉन्ट्स चेंज करने थे तो हमें वो प्रिंट हेड दट इज विल वो रिप्लेस करना था लाइकवाइज ये ड्रम प्रिंटर के अंदर हमें पूरा ड्रम रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हमें दूसरे फॉन्ट के यूज करके हमें प्रिंट करना है राइट दिस लाइन प्रिंटर ऑब्वियसली वो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए ही डिजाइन किए गए होते हैं कि जहाँ पे बहुत ही हैवी प्रिंटिंग होता है Means बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रिंट करना है कि जिसके अंदर ओके स्पीड ड मैटर राइट स्पीड मैटर नहीं करती है लेकिन बहुत ही ज्यादा मटेरियल प्रिंट करना है बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं उस जगह पे हम ये ड्रम प्रिंटर का यूज कर सकते हैं और अगर हम अच्छी क्वालिटी का ड्रम प्रिंटर यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत ही हाई स्पीड मिलेगी बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी लाइन वो प्रिंट करता है इन सिंगल ऑपरेशन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दिस ड्रम प्रिंटर प्रिंटिंग एंड दैट्स वाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव प्रिंटर और हम कैरेक्टर के फॉन्ड्स ये ड्रम प्रिंटर के अंदर चेंज नहीं कर सकते राइट सो दीस आर द डिफरेंट थिंग्स की जो हमें ड्रम प्रिंटर के बारे में याद रखना है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड की ड्रम प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर तो इसके अंदर ऑबवियसली हैमर की स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म तो होगी ही राइट बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसीडर ओवर हियर इज अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर अच्छी तरह से प्रिंट हेड के नीचे नहीं आया है दैट इज़ हैमर के नीचे नहीं आया है तो कभी कभी हमें वेवी लाइन भी मिल सकती है या फिर स्लाइटली ब्लर प्रिंटिंग भी हमें मिल सकता है बिकॉज हैमर अच्छी तरह से स्ट्राइक नहीं करेगा तो अच्छी तरह से कैरेक्टर पेपर के ऊपर एम्बोज नहीं होंगे इसीलिए अगर ये प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वेवी लाइन भी हमें मिल सकती है या फिर जो भी कैरेक्टर्स है वो ब्लर भी प्रिंटिंग हो सकते हैं राइट right? right. so और मैंने आपको पहले पहले ही बताया कि जो भी हमें print करने हैं, right, वो ये drum के ऊपर से एम्बोज किए गए हमें मिलेंगे सी जैसे ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो दिस इज द ड्रम राइट और ये ड्रम के ऊपर ये सारे कैरेक्टर्स एम्बोज किए गए पहले से होते है. Now नाउ will विल बी scenario? पहले ड्रम होगा ड्रम के बाद ये रिबन होगा रिबन के बाद ये पेपर होगा और ये पेपर के बाद प्रिंट हेड है इट मीनस ये ड्रम प्रिंटर में थोड़ा रिवर्स मैनर में स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है अभी तक हमने क्या देखा था जैसे हमने डेजिविल प्रिंटर के अंदर देखा था कि जो भी हैमर है प्रिंट हेड है वो व्हील के ऊपर स्ट्राइक करेगा व्हील पुश होगा रिबन के ऊपर और रिबन पुश होगी पेपर के ऊपर और इस हिसाब से हमें पेपर के ऊपर कैरेक्टर मिलेंगे लेकिन ये ड्रम प्रिंटर के अंदर थोड़ा रिवर्स मैकेनिज्म है पहले ड्रम है उसके बाद रिबन है मतलब ड्रम के ऊपर कैरेक्टर एम्बोस किए गए हैं उसके बाद रिबन है रिबन के ऊपर ऑब्वियसली पेपर होगा और ये प्रिंट हेड है जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगा Again, I repeat, ये 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 है, है, जिसके ऊपर ऊपर है, वो पेपर के स्ट्राइक करेगा। It means ये हैमर पेपर को करेगा। को किसके साथ पुश होगा रिबन के साथ पुश होगा और जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर ये हैमर है, स्ट्राइक करेगा वो कैरेक्टर ड्रम का यूज करके ये पेपर के ऊपर आ जाएंगे राइट right? सो so स्टूडेंट्स हमें ये ड्रम प्रिंटर के अंदर ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो प्रिंट हेड है वो पेपर की तरफ है ड्रम की तरफ नहीं है जैसे दूसरे सारे प्रिंटर के अंदर होता है राइट सो ड्रम प्रिंटर के बारे में हमें ये चीज यहाँ पे याद रखनी है राइट सो द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर विद इन ड्रम प्रिंटर इज कि प्रिंट हेड कहाँ पे है पेपर की तरफ है और ड्रम के ऊपर सारे कैरेक्टर एम्बोस किए गए होते हैं राइट सो स्ट्राइकिंग ड्रम के ऊपर नहीं होता है पेपर के ऊपर होता है और इसकी वजह से पेपर प्रेस होता है पेपर प्रेस होगा रिबन त, रिबन की तरफ और रिबन प्रेस होगा ड्रम की तरफ के जिसके ऊपर कैरेक्टर पहले से एम्बोज है और उसके बाद वो कैरेक्टर पेपर के ऊपर हो जाएंगे दैट इज प्रिंट हो जाएंगे राइट right? लेकिन ड्रम प्रिंटर के अंदर मल्टीपल है ऑब्वियसली मल्टीपल हैमर होंगे तो ही वो फास्टर मैनर में प्रिंट कर पाएगा बिकॉज अगर एक ही हैमर है तो वो एक ही कैरेक्टर के ऊपर एट अ टाइम स्ट्राइक करेगा लेकिन अगर मल्टीपल है वो और वो सारे हैमर्स एट अ टाइम स्ट्राइक करते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स एट अ टाइम प्रिंट होंगे दैट्स वी कैन से कि साइमल्टेनियसली ये सारे दैट इज एक साथ ये सारे हैमर्स स्ट्राइक करते हैं इसीलिए पूरी एंटायर लाइन प्रिंट हो जाती है विद इन सिंगल ऑपरेशन राइट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ये ड्रम प्रिंटर के अंदर कैसे वर्क होगा जैसे डीजीवील प्रिंटर के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए व्हील को रोटेट करना पड़ता था लाइकवाइज ड्रम प्रिंटर के अंदर भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें ड्रम को रोटेट करना पड़ेगा तो ही वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट हेड के नीचे आएगा और प्रिंट हेड के ऊपर जो हैमर है वो स्ट्राइक करेगा तो पेपर के ऊपर हमें वो कैरेक्टर दिखेगा सो so, हमें यहाँ पे ये यह याद रखना है कि ड्रम प्रिंटर के अंदर भी पूरा ड्रम रोटेट होगा तो ही वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हैमर के नीचे आएगा राइट right? जैसे हमने ये डायग्राम के अंदर देखा बिकॉज़ ये जो ड्रम है वो पूरे सरकमफेरेंस के ऊपर सारे कैरेक्टर्स प्रिंट किए गए हैं इट मींस कि अगर यहाँ पे r s t u v w है लेकिन अगर मुझे a फॉर एप्पल प्रिंट करना है तो a फॉर एप्पल को ये प्रिंट हेड दैट इज हैमर के नीचे लाने के लिए ये ड्रम को रोटेट करना पड़ेगा तो ही वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हैमर के नीचे आएगा और वो कैरेक्टर प्रिंट होगा Right? So, जितने भी कैरेक्टर्स डिजिट्स लेटर्स हमें प्रिंट करवाने हैं वो पहले से ड्रम के ऊपर एम्बोज किए गए होते हैं इन कॉलम्स फॉर्म जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो देखो पूरी आर की रो है और ये जो अल्फाबेट बनाए गए हैं वो कॉलम्स के टर्म्स में है डेट इज आर एस टी यू वी डब्ल्यू लाइक वाइज यहाँ पे भी सेम कैरेक्टर्स होंगे मतलब पूरे ड्रम के ऊपर वो कैरेक्टर्स इस हिसाब से पूरी अल्फाबेट ऐसे एम्बोज की गई हमें

मिल सकती है। अगर मुझे एंटायर लाइन प्रिंट करनी है राइट तो हैमर्स जितने भी हमारे प्रिंट हेड के ऊपर है वो अच्छी तरह से पेपर के ऊपर पोजीशन होने चाहिए और हमें पता है कि हैमर पेपर की तरफ है तो हैमर किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे पेपर किसके अगेंस्ट स्ट्राइक करेगा रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करेगा और रिबन किसके ऊपर प्रेस प्रेस करेगा करेगा ड्रम ड्रम के के ऊपर ऊपर और हमें पता है कि कैरेक्टर्स पहले से ही एम्बोस किए गए हैं तो वो कैरेक्टर की इमेज हमारे पेपर के ऊपर हमें दिखाई देगी इसीलिए पूरा ड्रम स्पिन करता है ताकि अच्छी तरह से हमें एंटायर लाइन जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स से हमें चाहिए वो पूरी लाइन पेपर के अंदर एट द टाइम प्रिंट प्रिंट हो हो जाए, राइट? राइट? सो एक एक बार कॉलम जाती है, right? वो पर्टिकुलर लाइन प्रिंट हो जाती है तो ऑब्वियसली पेपर आगे मूव करेगा ताकि वो पूरी दूसरी लाइन प्रिंट कर सके राइट राइट स्टूडेंट सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रम प्रिंटर राइट सो so, ये ड्रम प्रिंटर के अंदर हमें याद रखना है कि इट इज अ लाइन प्रिंटर और एज द नेम सीज की इसके अंदर ड्रम यूज हुआ है कि जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स पहले से एम्बोज किए गए हैं, राइट स्टूडेंट्स सो हम एक काम करते हैं कि हम एक वीडियो देखते हैं कि जिसके ऊपर से आपको डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर डेजिवल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर रियल में कैसे दिखते हैं और कैसे वर्क करते हैं वो आपको समझ में आएगा राइट ऑल राइट स्टूडेंट्स सो हम तीनों टाइप के प्रिंटर्स देखते हैं वीडियो के टर्म्स में कि एक्चुअली डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर डेजिबल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर कैसे होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं राइट सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर सी वो इस हिसाब से वो वर्क करता है पूरा प्रिंट हेड मूव करता है और वो इस हिसाब से वर्क करता है नेक्स्ट वी विल सी सी प्रिंटर ये जैसे मैंने आपको बताया था व्हील होता है और उसके ऊपर पेटल्स के ऊपर वो सारे कैरेक्टर्स एम्बोज किए जाते हैं और वो विल रोटेट करता है सी वो कैसे रोटेट करता है कितने अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं सी सुपीरियर प्रिंट क्वालिटी वो लेटर कितने प्रोफेशनल दिखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेजी विल प्रिंटर बिकॉज वो कैरेक्टर्स पहले से एम्बोस किए गए होते हैं सी वो कैसे विल पूरा रोटेट होता है राइट नाउ नेक्स्ट वी विल सी लाइन प्रिंटर दैट इज ड्रम प्रिंटर सी कितना स्पीडी मैनर में वो प्रिंट करता है सी पूरी लाइन वो एट अ टाइम प्रिंट करता है इसलिए वो कितना स्पीडी मैनर में वो प्रिंट करता है राइट right? Now, this is inject printer, जिसके अंदर कार्ट्रेज होती है right? सो स्टूडेंट so ये वीडियो से हमने देखा कि डॉटमेट्रिक्स प्रिंटर उसके बाद डेजिविल प्रिंटर उसके बाद ड्रम प्रिंटर एक्चुअली कैसे वर्क करता है वो और वो कैसे दिखाई देता है राइट right?